स्वागत है। आज बरेली जनपद के क्यारा ब्लॉक के ग्राम प्रधान प्रत्याशी सर्वेश्वर पाल सिंह ने यह आरोप लगाया कि उनके गांव क्यारा के मजरा लगने वाले माझा गांव में नाबालिग बच्चों ने वोट डाले हैं, जो कि मतदान का दुरुपयोग है। इसकी शिकायत जब उन्होंने वहां पर तैनात पुलिस वालों से करने की कोशिश की, तब उन्होंने टालमटोल कर दिया और उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। फिर उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात पर रखा और उच्चाधिकारियों तक इस बात की शिकायत मीडिया के माध्यम से की कि कुछ प्रत्याशी अपना उल्लू सीधा करने के लिए गलत मतदान करवा रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। जब मीडिया ने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, तब छोटे बच्चे थोड़ा नर्वस होने लगे, जिससे कहीं ना कहीं शक की सुई घूमने लगी। अब इस पर उच्च अधिकारी क्या कदम उठाते हैं और ऐसे पुलिस वालों पर पुलिस विभाग क्या सख्त कदम उठाएंगे? संतराम क्या करने आए आप? वोट डाले आए। उम्र कितनी तुम्हारी? उम्र नहीं पता। आधार कार्ड कहाँ तुम्हारा? किसे डालने आयो? इमली पापे अनार पे, आम पे अनार पे, आम पे अनार पे और कई धान पे। किसने कहा आपसे वोट डालने के लिए? मैं पापा ने कहा था। पापा क्या नाम है आपके? रतिराम। रतिराम नाम है आपके पापा का? सर्वेश्वर पाल सिंह। कहाँ से प्रत्याशी हैं आप और किस पद पे खड़े हैं? ग्राम पंचायत क्यारा से प्रधान पद के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस इलेक्शन के बारे में और मतदाताओं के बारे में? ये लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है और यहीं से हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, तो यहाँ निष्पक्ष रूप से मतदान होना चाहिए। यही कहना है। मतदान अभी लगातार हो रहा है, कहीं से कोई शिकायत है, कहीं से कोई आपत्ति है क्या? हाँ, एक हमारा पोलिंग बूथ है मंजा, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वोट डाल रहे हैं। क्या लगता है कितनी उम्र के बच्चे होंगे वो? वो 10-11 साल के होंगे। 10-11 साल के बच्चे जिनका फोटो तक देखा जा सकता है। वहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी या कोई पीठासीन अधिकारी वगैरह तैनात नहीं है क्या? पीठासीन अधिकारी हैं, पता नहीं क्यों नहीं करें। पुलिस अंदर जाने नहीं देती लोगों के लिए, बाहर खड़े हैं लोग। तो पुलिस अंदर नहीं जाने? अच्छा, पब्लिक तक अंदर है, 200 गज की दूरी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जबकि 200 गज की दूरी के अंदर है पुलिस। वो पुलिस नहीं, पब्लिक अंदर है जी, जबकि वोटर केवल जा सकता है। सुरक्षा कर्मी से आपने शिकायत नहीं की आपने? हाँ, शिकायत की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। वहाँ खाना कौन सा लगता है? कंट खाना कैंट लगता है। आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की है? हाँ, की है, SDM साहब से की है। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से कहा है, वो गए हैं मौके पर। अच्छा, मौके पर गए हैं? SSI गए हैं। SSI गए? क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद। कहाँ रहते हो? पिपर कौटिया। कितनी साल है तुम्हारी? तुम्हारी उम्र 18 साल है। 18 साल, लेकिन ये तो उसमें कम बता रहा है। अब आधार कार्ड में इतनी आधार कार्ड में इतनी उम्र है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में पढ़ते हैं। 8वीं क्लास? 18 साल का लड़का 8वीं क्लास में? किसने कहा वोट डालने के लिए आपसे? वोट डालने के लिए वो अंकल जी पर्ची मिली है, इसलिए डाल रहे हैं। तो वोट मतलब किसके लिए डालने आए हो? प्रधानी के लिए और वो जिला पंचायत है। किसको वोट डालने आए हो? देखो, कुड़ारी एक है और इमली। कुड़ारी और इमली, हाँ बस। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी प्रवेश। दोनों चीज के कौन कौन प्रत्याशी? रोहित कश्यप। रोहित कश्यप? हाँ, रोहित कश्यप और प्रवेश कश्यप। अच्छा। आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें जिला प्रशासन के पसीने छूट गए। जिला प्रशासन की गाड़ियां व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए लगातार पूरे जिले में एक के बाद एक बूथों निगरानी के लिए पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी कुछ संवेदनशील क्षेत्रों से खुराफात होने की शिकायत आने लगी, जिसके बाद पुलिस बल द्वारा उनको खदेड़ा गया। संवाददाता धीरेंद्र की खास रिपोर्ट। सभी दर्शकों का बरेली में स्वागत है, मैं हूं धीरेंद्र सिंह। जैसा कि आपने देखा कि इस समय हम बरेली के क्यारा ब्लॉक में खड़े हुए हैं और मतदान, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है आम नागरिक का, वोट डालने के लिए एक लाइन करके आप देख सकते हैं कि लाइन में खड़ा भी हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है गर्म धूप में लगातार वोटिंग मतदान कर रहे हैं और यहाँ पर एक भारी पुलिस बल तैनात भी है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। कोविड-19 से जागरूकता ही बचाओ, सुरक्षित रहने के लिए सावधानियां जरूरी। जनसेवा टीम का कोरोना से सतर्क और सावधानियों के लेकर लगातार अभियान जारी है। पुराना शहर के सैलानी हबीबिया मस्जिद, सूफी टोला, रामपुर बाग इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए गए। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों या बाजारों में आने से पहले कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। इस मकसद से जनसेवा टीम सार्वजनिक स्थानों जनता को जागरूक करने हेतु मास्क वितरण किए गए। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, कोरोना से बचाव के जितने भी उपाय कर सकते हैं वो करें। ये घातक बीमारी है, देश में बरेली में बढ़ती जा रही है,
केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इससे कोरोना से सावधानी बढ़ते हैं, कोरोना के प्रति जागरूक रहे, लोगों को जागरूक करें, मास्क का इस्तेमाल करें, यह आपकी हिफाजत के लिए है, कोई बंदिश नहीं है, पुलिस के डर से नहीं, बीमारी के डर से मास्क ना लगाएं। अल्लाह के घर की कानून व्यवस्था नहीं है, और फिर से एक नया निर्देश दिया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें। जुवैद हुसैन और शमू खान है, हम सैलानी अबीदिया मस्जिद के सामने खड़े हैं, जहां पर हम लोगों ने मास्क वितरण किया। सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए धर्म स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा मास्क वितरण कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी नदीम भाई, पमीघा वारसी और नवेद भाई और हमारे भाई सारे लोगों ने ताउन किया है और लोगों को मास्क बांट के जागरूक किया। मैं शेखर अग्रवाल, यहाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप और WHO की गाइडलाइंस के अनुरूप लोगों को कोविड से सुरक्षा देने के लिए हम जागरूक करने हेतु मास्क का वितरण कर रहे हैं, जिससे लोग इस महामारी की चपेट में ना आए और लोगों के अंदर एक जागरूकता का मैसेज जाए। जरूरतमंद रोजेदारों की सही और इफ्तार के दस्तरखान का भी रखे ख्याल, इसी मकसद को लेकर आज समाज सेवा मंच ने रमजान हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। समाज सेवा मंच के अध्यक्ष समाज सेवी नदीम शमसी ने बताया कि ये सेवा कार्य है। रमजान का महीना नेकियों को कमाने का महीना, एक नेकी के बदले 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, इसलिए दिल खोलकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। आज मंच की टीम ने सीबीगंज, पुराना शहर, सैलानी और गरीब बस्तियों में जाकर रोजेदारों को इफ्तार व सहरी का सामान दिया और कुछ जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद भी की। छत से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने छत से गिराने का लगाया आरोप। बरेली दोस्त के साथ गांव में ही एक महिला के घर गई युवक की रात में छत से गिरकर मौत हो गई, उसका दोस्त फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार दोस्त की तलाश शुरू कर दी। कैंट थाना क्षेत्र के गांव चैतगोटिया निवासी 23 वर्षीय राकेश यादव पुत्र राम अवतार यादव की बीती रात गांव में ही रहने वाली गोमती के मकान की छत से गिरकर मौत हो गई। राकेश के माता पिता की साल पहले मौत हो गई, वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था और घर के पास दूध की एक डेयरी पर काम करता था। कल शाम को गांव का रहने वाला उसका एक दोस्त से उसे घर से बुलाकर ले गया था, लेकिन रात में आधी रात के समय छत से गिरकर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। बड़े भाई ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार दोस्त की तलाश शुरू कर दी। सोनू यादव। सोनू, क्या मामला? मामला सच ये था, मेरा भाई कल बोर्ड डालने के लिए झारसंड डेयरी पर काम करता था। बोर्ड डालने के लिए मेरे घर आया, 8 बजे के लगभग तक घर आया और 9 बजे उसका दोस्त उसे बुला ले गया घर से शाम को। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पास साहब 2 बजे खबर आई थी कि तुम्हारा भाई ख़त्म हो चुका है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है साहब, उसका ही कोई करा धरा है, उसने कुछ करा है कि वो फरार है साहब। कहाँ मिलते आप? मेरा भाई उनके घर में पड़ा हुआ मिला था मुझे। किसके? गोमती के। आपको किसने सूचना दी? उनके लड़के ने, गोमती के लड़के ने मुझे सूचना दी। क्या बताया? जो बताया कि तुम्हारा भाई ख़त्म हो चुका है। और मुझे बस, मैं जब वहाँ पहुँचा साहब तो मेरा भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसमें कुछ नहीं था। गोमती घर में था भाई? जी, उन्हीं गोमती घर में था। आपने पुलिस को सूचना दी? जी सर, हमने पुलिस को सूचना दी। शादी हुई उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई साहब उसकी। क्या करते थे? हम प्राइवेट डेयरी पर काम करते थे साहब।